नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल धरुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे अगस्त 2022 में किस दिन रवि योग पड़ रहा है, रवि योग का महत्व क्या है, उस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। रवि योग के क्या मायने हमारे लिए जीवन में रहेंगे, रवि योग है वह किस दिन किस समय में रहेगा और उसमें आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, बहुत ही डिटेल्ड जानकारी वीडियो के अंत में आपको प्रदान करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही शास्त्रीय जानकारियां शास्त्रों के प्रमाणों के साथ यहां पर आपको देखने मिलती है। साथ में अगर आप शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इंस्टाग्राम, मौज या फिर जोश एप्लीकेशन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धरुद्रा एस्ट्रोलॉजी यही यूजर नेम है वहां पर भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अगस्त 2022 के सभी रवि योगों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं रवि योग क्या है। तो रवि योग है वह जैसे सभी ग्रहों में सूर्य प्रधान माना गया है, प्रबल है, सभी ग्रहों का अशुभत्व है, वह अगर सूर्य की उपस्थिति से शुभ हो जाता है, उसी प्रकार रवि योग है वह दैनिक शुभ योग है। उससे अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो यम, घंट, गुल्लिक इत्यादि अशुभ होते हैं, राहुकाल इत्यादि, तो उसका काम उसका है अशुभ योग है, उनका अशुभत्व है बहुत हद तक कम हो जाता है। तो रवि योग है वो एक दैनिक शुभ योग माना गया है कि अगर आपके पास कोई मुहूर्त उपलब्ध नहीं हो, अगर आपके लिए कार्य करना जरूरी हो तो रवि योग के सहारे आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अगस्त 2022 के सभी रवि योगों के बारे में। अगस्त 2022 के रवि योगों की बात करें तो 1 अगस्त 2022 सोमवार, श्रावण शुक्ल चतुर्थी तिथि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, सुबह 5:59 से 16:06 तक यह योग रहेगा। 2 अगस्त 2022 मंगलवार, श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, 17:29 से 3 अगस्त 2022 बुधवार, श्रावण शुक्ल षष्ठी तिथि हस्त नक्षत्र पूरा दिन, और 4 अगस्त 2022 गुरुवार, श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि चित्रा नक्षत्र, 18:48 तक रवि योग रहेगा। 6 अगस्त 2022 शनिवार, श्रावण शुक्ल नवमी तिथि विशाखा नक्षत्र, 17:52 से 7 अगस्त 2022 रविवार, श्रावण शुक्ल दशमी तिथि अनुराधा नक्षत्र पूरा दिन, और 8 अगस्त 2022 सोमवार, श्रावण शुक्ल एकादशी तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र, 14:37 तक यह योग रहेगा। 10 अगस्त 2022 बुधवार, श्रावण शुक्ल त्रयोदशी तिथि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, सुबह 9:40 से 11 अगस्त 2022 गुरुवार, श्रावण शुक्ल चतुर्दशी तिथि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सुबह 6:53 तक यह योग रहेगा। 16 अगस्त 2022 मंगलवार, भाद्रपद कृष्ण सब पंचमी तिथि रेवती नक्षत्र, 21:07 से 17 अगस्त 2022 बुधवार, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी तिथि आश्विनी नक्षत्र, सुबह 7:37 तक यह योग रहेगा। और उसी दिन 17 अगस्त 2022 बुधवार, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी तिथि अश्विनी नक्षत्र, उस दिन रात में 21:57 से 18 अगस्त 2022 गुरुवार, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी तिथि भरणी नक्षत्र, 23:35 तक यह योग रहेगा। 29 अगस्त 2022 सोमवार, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया तिथि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, 23:04 से 30 अगस्त 2022 मंगलवार, भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र, 23:50 तक यह योग रहेगा। और अंतिम 31 अगस्त 2022 बुधवार, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि चित्रा नक्षत्र, 3:31 से अगले दिन रात में 12:12 तक यह योग रहेगा। तो यह थे 2022 अगस्त के सभी रवि योग। यहाँ पर एक आवश्यक सूचना आपको प्रदान करें कि यह रवि योग है वह उनका उपयोग आपको कब करना चाहिए। अगर आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं जैसे गृह प्रवेश, विवाह, मकान बनाना, मुंडन, कर्णवेद, कोई भी मुहूर्त आपको करना है तो उसके स्पेशल मुहूर्त होते हैं। हर एक कार्य का अलग अलग मुहूर्त होता है, उन मुहूर्तों में ही आपको वह कार्य करना चाहिए, तभी आपको सफलता प्राप्त होती है। अगर आपके लिए मुहूर्त में काम करना उपलब्ध न हो रहा हो, आपके दिन के हिसाब से आपको मुहूर्त न मिल रहा हो, तो आप सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग या फिर रवि योग, इन योगों के सहारे अपना काम
कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने रवि योग की जानकारी प्राप्त करी। अगर मुहूर्तों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगस्त 2022 के सभी मुहूर्त दिए हुए हैं। साथ में अगर आपको इन योगों की जानकारी चाहिए, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण योग माने गए हैं, उन योगों की अगर जानकारी चाहिए तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो के भी लिंक आपको मिल जाएंगे। वहां से आप उन योगों के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कुंडली बनवानी हो, मुहूर्त निकलवाना हो, तो नीचे व्हाट्सएप पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही शास्त्रीय जानकारियों के साथ, नए शास्त्र के प्रमाणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। वंदे मातरम।